नमस्कार, मैं हूं नीतू शर्मा। स्वागत है आपका द एंगल न्यूज में। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, गोविंद देव जी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। सुरक्षा बलों के निशाने पर 21 टॉप आतंकवादी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही हैं जानकारियां इकट्ठा। प्रदेश भर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस सतर्क, बाहरी लोगों की तस्दीक के लिए शुरू किया अभियान। फिल्म संजू के गाने और ट्रेलर लोगों को आ रहे हैं पसंद, रणबीर कपूर के अभिनय को दर्शकों ने सराहा। अब खबरें विस्तार से। आज निर्जला एकादशी का पर्व है जिसे छोटी काशी सहित पूरे देश भर में श्रद्धा से मनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। छोटी काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर शहर के सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। धर्मार्थियों ने जगह जगह सेवा शिविर लगाए हुए हैं। शीतल पेयजल, छाछ, नींबू, शिकंजी, फल से लोगों की मनुहार की जा रही है। दरअसल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार स्वार्थ सिद्धि और सिद्धि योग होने से निर्जला एकादशी पर पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भक्त साल भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं, वे यदि इस एकमात्र एकादशी को कर लें तो उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य व फल मिल जाता है। आज एकादशी का पर्व है, इस पर्व पर हम उपवास रखते हैं। उपवास में हम अन्न का सेवन नहीं करते और सिर्फ पानी या फिर ठंडाई और ऐसी ही चीज़ों का सेवन किया जाता है। और इसलिए हम इस एकादशी निर्जला ग्यारस कहते हैं इसे दूसरे शब्दों में। तो इसमें हम जल है, जल के तौर पे ही चीज़ों का सेवन किया जाता है। इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। निर्जला ग्यारस को सबसे बड़ा पर्व माना गया है और इसको अच्छा करने से अच्छा शुभ प्राप्ति होती है। और इसमें ठंडाई किया जाता है, ठंडा मतलब गर्म नीत है और साल भर में एक बार आती जो मौके से मिल जाती है फिर उसका। अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग के बारे में, जिनकी शिखर वार्ता अभी काफी चर्चा में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनके शासन पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए प्योंगयांग के परमाणु हथियारों से असामान्य एवं असाधारण खतरे का हवाला दिया। वहीं इससे ठीक उलट शिखर वार्ता से लौटने के बाद ट्रंप ने वार्ता सफल रहने का दावा करते हुए ट्वीट किया था कि उत्तर कोरिया से परमाणु संबंधी अब कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रपति का कांग्रेस को भेजा संदेश उनकी बात से विपरीत है। इस संदेश में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू रखेगा। यह प्रतिबंध सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लगाए थे। उत्तर कोरियाई सरकार की नीति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर अब भी असामान्य एवं असाधारण खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में 21 टॉप आतंकवादी सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में। दक्षिण कश्मीर के नौशेरा गांव में इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ दाऊद अहमद सलाफी और 3 अन्य आतंकियों के मारे जाने के बाद 21 टॉप आतंकी सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में रह गए हैं। एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने को बड़ी सफलता के तौर पर लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद ये सुरक्षा बलों का पहला बड़ा ऑपरेशन था। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 21 टॉप आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है। इनमें 11 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, 7 लश्कर ए तैयबा, 2 जैश ए मोहम्मद और 1 आतंकी अंसार गाजावत उल हिंद के हैं। सूत्रों ने बताया सुरक्षा बलों का मुख्य फोकस इन 21 आतंकियों को खत्म करने पर है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन 21 पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। लिस्ट में ज्यादातर आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। इनमें कुछ रिसर्च स्कॉलर भी रह चुके हैं, साथ ही 3 आतंकी पाकिस्तान के भी हैं जो कश्मीर में लश्कर ए तैयबा जाल फैलाने में मदद करते हैं। दुष्कर्म मामले में फंसे दाती महाराज की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महिला आयोग की रिपोर्ट से कुछ ऐसा ही लग रहा है। महिला आयोग की टीम ने पाली आश्रम का दौरा किया था, वही कई पहलुओं की जाँच भी की थी, जिसमें आयोग ने सबसे पहले दाती महाराज के आश्रम को आश्रम मानने से ही इनकार कर दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि वहां के कर्मचारियों ने उनको जांच में सहयोग करने के बजाय गुमराह भी किया। पूछताछ के दौरान लड़कियां डरी और सहमी हुई भी दिखी। आयोग ने अब कलेक्टर को पत्र लिखा है,
जिसमें सबसे पहले बिना एनओसी के चल रही कॉलेज और वहां चल रहे स्कूल के बारे में जानकारी मांगी है। प्रदेश भर में बढ़ते अपराधों को देखकर पुलिस मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में भी बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस अब सतर्क हो गई है। पुलिस ने वाहन चोरी, नकबजनी सहित आपराधिक वारदातों को रोकने और बाहरी लोगों की तस्दीक के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस चिन्हित स्थानों पर घेराबंदी कर घरों में वेरिफिकेशन के साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत चिन्हित स्थानों पर घरों में रहने वाले लोगों की तस्दीक के साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की भी जाँच हो रही है। शहर में जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी उनका एनालिसिस किया गया। उसके संदर्भ में जो पुराने चलानशुदा लोग हैं उनका जब रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें हमने देखा कि एक तो पड़ोसी जिले के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो वाहन चोरी की घटना में चलानशुदा हुए थे, प्लस जो जयपुर के चलानशुदा क्रिमिनल्स हैं वो भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से ज़्यादा हो रहे थे। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एक हमारा जो आउटर इलाका है जयपुर का, जहाँ पे बहुत सारे रिहायशें अभी नहीं बसी हैं या कुछ मकानों में ही लोग रह रहे हैं, ऐसी सूचना थी कि वहाँ भी असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, वहाँ वाहन चोर नकबजन इस तरह के लोग पनाह लेते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्य योजना बनाई जा करके उन आउटर थाना क्षेत्रों में वेरिफिकेशन कराया गया, पुलिस लाइन से भी जाब्ता दिया गया, थाने का स्थानीय जाब्ता और SHO DCP साहब के निर्देशन में किए। इस चेकिंग के दौरान कई सारे वाहन हमें मिले जिनका कोई क्लेमेंट नहीं था और ऐसा हमारा अंदेशा है कि ये चोरी के वाहन हैं। कई सारे ऐसे किराएदार और स्थानीय जो वहाँ रह रहे थे वो लोग आए जिनका नाम पते वेरीफाइड नहीं थे, उनकी भी तस्दीक कराई गई। तो ये इस पूरे एक्सरसाइज से जो हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पे असामाजिक तत्वों की होने की संभावना रहती है उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है तथा वाहन चोरी और नकबजनी की वारदातों में कुछ अहम क्लू भी हमें मिल रहे हैं। प्रदेश के छात्रों को सरकारी नीतियों और शिक्षा जगत के हालातों के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में एक ओर जहां सरकारी महकमे से लेकर आम जनता सरकार की नीतियों से परेशान है, वहीं सरकारी नीतियों और शिक्षा जगत के हालात के चलते छात्रों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि हाल ही में जारी हुए BSc पार्ट 3 के परीक्षा परिणामों में 10,000 से अधिक छात्रों को फेल कर दिया गया। इसमें से कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में 60% से ज़्यादा अंक हासिल किए थे। ऐसे में विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से नाराज छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अच्छा प्रश्न पत्र हल करने के बावजूद उन्हें 5-5 विषयों में 0 अंक दिए गए। छात्रों का कहना था कि जल्द ही उनके समस्या का हल नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब जैसे थर्ड ईयर मतलब साइंस है उसमें 21,000 स्टूडेंट बैठे, उसमें 5% विद्यार्थियों के फिजिक्स में और 10% विद्यार्थियों के मतलब मैथमेटिक्स में अगर 0 हैं, और रिजल्ट मैं आपको चाहूँगा कि चीफ प्रॉक्टर पलसानिया जी के पास में सारा रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट कॉलेजेज वगैरह जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, महारानी कॉलेज है, कनोडिया कॉलेज है, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये खराब किन के हैं? जो एक्स स्टूडेंट हैं जो 3-3 बार से फेल हो रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब केवल 5% बच्चों के 0 आ रहे हैं, 50% के 0 आए, 25% के 0 आए तो बात समझ में आती है, लेकिन 5% के 0 आते हैं अगर वो कैसा हमें तो पास कर दो तो पास नहीं किया जा सकता। मार्किंग में कोई गलती नहीं है, और मैं वो कह दूँ 0 अगर कोई अगर देता है तो वो टीचर दोबारा कापी देखता है 0 देने से पहले कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं रह जाए। इसलिए इस बात में कोई सत्यता नहीं है। पिछली बार भी जब कार्यवाहक VC थे उनके समय भी आंदोलन हुआ, उन्होंने जाँच भी करवाई और जांच के नतीजे अनौपचारिक रूप से जब बताए गए उनको कि नंबर और कम हो रहे थे, और आप भी जानते हैं कि ये केवल प्रक्रिया की गई, रिजल्ट को संशोधन करने का अधिकार ऑर्डिनेंस में एक्ट में कहीं नहीं है। जो रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो जाता है कोई भी कुलपति उसको रिवाइज नहीं कर सकता। सर 2 साल से एक स्टूडेंट है, 2 साल से फिर कर रहे हैं, लगातार बोलते हैं रिवेल लगाओ, रिवेल भी लगाते हैं, कुछ भी नंबर नहीं बढ़ते, जिसको 2-3 चाहिए उसके 2 नंबर बढ़ा के रख देते हैं, किसी के कम कर देते हैं, किसी के क्या करते हैं, एग्जाम देने आते हैं उसको एब्सेंट बताते हैं,
और 5-5 विषय में 00 देते हैं। कोई हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जिस बच्चे के 71 है उसको सेकंड ईयर में फेल कर रही है, इतना सा हो सकता है कि 5-5 00 आएगा उसका, कुछ तो लिख के आया होगा, वो उसके एक नंबर तो आएगा, कुछ तो 1-2 नंबर तो आएंगे, लेकिन उसके 00 00 5-5 विषय में 00 है सर। 10,700 बच्चे तो फेल हो गए BSc फाइनल में, और सेकंड ईयर में 23-24% बच्चे पास हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों को तो सबको पास कर रहे हैं सर, ये प्राइवेट कॉलेजों के बच्चे लगातार देखोगे ना तो फेल 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 फेल, ऐसा हो सकता है क्या सर? छात्र संघ चुनावों को राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही चुनावों का माहौल भी देखा जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस मिशन के बीच छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। छात्र नेता एडमिशन मिशन में सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनी चुनावी राजनीति में वोट बैंक को साधने का काम भी कर रहे हैं। महारानी कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां लड़कियों के कॉलेज में छात्र नेताओं की भरमार है और सुरक्षा में लगे गार्ड उनको रोक नहीं पा रहे हैं। कॉलेज प्रिंसिपल अल्पना कटेजा ने बताया कि इन दिनों एडमिशन प्रक्रिया को लेकर लड़कियां अपने अभिभावकों के साथ कॉलेज आ रही हैं, जिसके चलते रोक नहीं है। जब महारानी कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं तो लगभग 50 या 60 स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जिनको आउटराइट एडमिशन मिलता है, यानी वे नेशनल लेवल पे इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आई होती हैं स्पोर्ट्स में कि उन्हें एडमिशन परसेंटेज को दरकिनार करके दिया जाता है। लेकिन जब वे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे तो उन्हें फिजिकल एजुकेशन के लिए हम जो फैसिलिटीज़ देते हैं, उन फैसिलिटीज़ में एक जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होता है उसकी कमी पिछले कई सालों से लगातार बनी हुई थी। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार यूनिवर्सिटी ने फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, DPE जिनको कहा जाता है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो हैं, उनकी नियुक्ति की है, और 2 महिला इंस्ट्रक्टर बहुत जल्दी महारानी कॉलेज को मिलने वाले हैं, जिसका निश्चित रूप से फायदा हमारी छात्राओं को होगा। राजकुमार हिरानी के फिल्म संजू के गाने और ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया। ट्रेलर में रणबीर कपूर के अभिनय को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। राजकुमार हिरानी की आगामी फिल्म संजू में संजय दत्त की रोचक कहानियों से पर्दा उठाया जाएगा, और इसके अलावा दर्शकों को संजय दत्त की कुछ अनसुनी और अनदेखी कहानियों से रूबरू करवाया जाएगा। फिल्म संजू 29 जून को रिलीज होने वाली है, और फिल्म के रिलीज होने से पहले एक और वीडियो रिलीज किया है जो फिल्म का एक हिस्सा है। इस 19 सेकंड के वीडियो में रणबीर कपूर पूरी तरह संजय दत्त जैसे नजर आ रहे हैं। वीडियो में फिल्म मुन्ना भाई MBBS के एक दृश्य को दोहराया गया है, लेकिन इस दृश्य में संजय दत्त की जगह रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। रिलीज होते ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। YouTube पर रिलीज किए गए इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्टर रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म संजू को लेकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।